हाय गाइस, मैं हूँ फारूक। आज मैं बताऊँगा प्ले स्टोर में ऐप्स ऑटोमेटिक अपडेट होता है। हमारी एमबी होता है, एमबी रिसर्च करते हैं, वो एमबी कट जाते हैं, तो हम ऑटो अपडेट कैसे बंद कर सकते हैं, तो आज मैं वही बताऊंगा। तो मैं दिखा रहा हूँ, पहले आप जाएंगे सेटिंग्स पर, और सेटिंग्स में जाकर हम डूबेंगे ऐप्स में। लोडिंग हो रहा है, तो हम जाएंगे थ्री डॉट आइकॉन पर शो सिस्टम, तो हम लाएंगे स्क्रॉल डाउन करके लाएंगे, दोस्तों देखो यहाँ पर लिखा है कॉन्फिग अपडेट, तो हम और भी नीचे लाएंगे, जाएंगे पैकेज इंस्टॉलर में, यहाँ पर जाके हम इसको डिजेबल करेंगे। जो अब हम इंस्टॉल करेंगे तो अब हम इसको इनेबल करना पड़ेगा, तो हम इसको डिजेबल करेंगे। जब दोस्तों देखो ये डिजेबल हो गया, तो हम उसको काट, तो हम जाएंगे आप फाइल मैनेजर में, एप्लीकेशन पर जाएंगे। देखो हम एक ऐप को क्लिक किया, तो यहाँ पर लिखा है द सिस्टम दिस नॉट सपोर्ट दिस टाइप ऑफ फाइल, सपोर्ट नहीं करता, एपीके फाइल नॉट सपोर्टेड। देखो दोस्तों ये इंस्टॉल नहीं हो रहा है, तो हम जाएंगे फिर से सेटिंग्स पर। दोस्तों देखो यहाँ पर इनेबल लिखा है, हम इनेबल कर दिया, तो हम फिर से नोटिफिकेशन में जाएंगे, तो जाकर एक ऐप्स को क्लिक किया, देखो इंस्टॉल पहले आ गया, तो हम यहाँ पर इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों आज मेरा ट्रिक यही था, तो आप जब पैकेज इंस्टॉल डिजेबल करेंगे तो आपका मोबाइल में किसी ऐप में ही इंस्टॉल होगा, किसी ऐप में ही अपडेट होगा। तो थैंक्स मेरे वीडियो देखने में, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये मेरा पहले चैनल है, मैं इस चैनल को नया खुला हूँ, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्लीज़ ऐसी और भी नया नया ट्रिक जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करने में ना भूलना।